शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम आप सब लोगों को एक न्योता देने आए। वो आज शिवांश का बर्थडे है। हम सोच रहे थे कि सरप्राइज पार्टी रखें। एक बात अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि हमको जन्मदिन के नाम से भी चिढ़ है। हमारे ताऊ जी वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी नजर लगातार हम पर है। उन्हें शक है कि हमें मजबूर किया गया। अगर तुम यहाँ से चले गए ना, सबको सच पता चल जाएगा कि हम ढोंग कर रहे हैं। कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच। लग रहे है ना अपनी बीवी की टक्कर के। पहला टेस्ट तो पास कर लिया। किस हद तक जाएगा ये झूठ बोलने में आज देख ही लेते हैं। अरे भाई ना सन्नाटा क्यों है? Happy birthday to you, happy birthday to you। अब अगले टेस्ट की बारी। चुनौती थोड़ी बढ़ाते हैं। अभी तो सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। चलो गेम खेलें। देख क्या रहे हो, चलो। अब इसको कौन सा खेल खेलना है? तो चलो गेम स्टार्ट करें। आओ चिट उठाओ। तो सबसे पहले शिवांश, आज तुम्हारा बर्थडे है तो पहले तुम आओ। जूली जी, ये कौन सा गेम है? अरे पर चिट तो उठाओ, फिर बाद में बताते हैं ना। आओ शिवांश। पता नहीं जूली ने क्या प्लान किया है, बस जो भी प्लान हो हम बस सच पता कर सके। रुको, क्या हुआ? तुम्हारी चिट मैं निकालूंगी। श्रावणी, चलो चलो तुम दोनों जाके साइड में खड़े हो जाओ। अभी अब किसकी बारी? भानु जानू, जल्दी से आओ। रुको रुको रुको, तुम्हारी चिट भी मैं उठाऊंगी भानु जानू। भानु जानू, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। पता है कौन है? अरे ये नहीं है, ये नहीं है, चूली। ऐसे कैसे कि तुम्हारा ही नाम निकले? लकी है, बहुत लकी है ना भानु जानू। तुम्हें तो वैसे मैं बताना भूल गई, ये गेम क्या है? तो गेम ये है कि होगा कपल डांस। जानो चलो चलो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से।
से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार दोनों के बीच को छल छल नहीं दिख रही है तो समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है गड़बड़ तो है ऐसा तब होता है जब लोग काले दाल को छुपाने के लिए अपना मुंह बंद करके चबाते हैं तुम भी घर फूकने कहेगी प्यार कर लो चलो चलो आप केक काटते हैं शिपू बेटा थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जा भैया प्लीज इस बार केक कट कर लीजिए ना हम हर साल आपका जन्मदिन मनाने की कोशिश करते हैं आपने कभी हमारे मनाने नहीं दिया इस बार प्लीज श्रवणी ने अपने हाथों से केक बनाया है तुम्हारे लिए गजब के दूल्हा हो यार चेहरे पर बिल्कुल भी गुलाबीपन नहीं है तुम्हारी दुल्हनिया ने इतनी मेहनत की है थैंक यू हमारे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है हम तुम्हारे घर गए थे जानते हैं तुम इस वक्त किसकी कमी सबसे ज्यादा खल रही होगी एक मिनट शिवांश आओ जाओ बेटा प्लीज भैया
हैप्पी बर्थडे टू शिवांश, हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू शिवांश, हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे बेटा. हैप्पी बर्थडे प्रिया. हमें भी अपने जन्मदिन पर सबसे ज्यादा अपने बाबा की कमी खलती है, इसलिए हम तुम्हारे पापा की फोटो ले आए. पापा, 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 पापा. सब कहा था दुल्हन को कि जन्मदिन का नाम भी नहीं देना. अरे मगर हुआ क्या है, ये अचानक से इतना पगला क्यों गया? तीर सही निशाने पे लगा है. हाय शुक्र है जल गई तस्वीर. शिवांश के बाप को अगर भानु जी पहचान जाते तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाता. आखिर ये तस्वीर का राज क्या है जिसे देखकर शिवांश आपे से बाहर हो गया? शिवांश, शिवांश रुको, शिवांश रुक जाओ. हुआ क्या है आखिर तुमको? तुमसे सिर्फ एक घंटे के लिए प्यार का नाटक करने के लिए कहा था हमने, सिर्फ एक घंटे के लिए, और तुमसे वो भी नहीं हुआ. हमने लगा था ताऊ जी को यकीन दिला देंगे उस झूठ में जिसमें तुमने हमें फंसाया. लेकिन नहीं, हमें ना तुमसे कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी. चुप! किससे पूछकर आप हमारे पापा की तस्वीर लेकर आई? अगर ले आए तो क्या हो गया? आप जानबूझकर लेकर आई थी ताकि आप हमारे जख्मों को कुरेद सके. तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो. हमको अपनी तरह समझ के रखा है कि तुम्हारे स्वर्गवासी पापा का इस्तेमाल करेंगे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, और वो भी तुम्हारे जन्मदिन पर. आज हमारा सिर्फ जन्मदिन नहीं, हमारे पापा की बरसी है. आज के दिन उनकी हत्या हुई थी. आपको बहुत शौक है ना सब कुछ जानने का? चलिए बताते हैं आपको. आपको जानना है ना, बताते हैं आपको.
ये आज से ठीक 12 साल पहले हमें हमारी जिंदगी का सबसे यादगार तोहफा मिला था। हमारे पापा खून से लथपथ बेजान पड़े हुए थे और हम बस उन्हें देख रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। बड़ी बेरहमी से मारा था उनको, आज तक उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाए हम, और करेंगे भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा, हमारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और गजब की बात तो ये है कि जिन लोगों ने हमारे पापा को हमारी जिंदगी से छीना, बहुत चैन से जी रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारा बचपन सब बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं रहा पहले जैसा। कौन है वो लोग शिवांश? तुम जानते हो उनके बारे में? हाँ, हम जानते हैं उनके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, और आप भी जानती हैं। देखना चाहती हैं आप? हमारे पापा, हमारे पापा तुम्हारे पापा की हत्या नहीं कर सकते। नहीं शिवांश, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पापा की हत्या क्यों करेंगे? तुम्हें ना जरूर कोई गलत फहमी ही हुई है, नहीं तो ये भी तुम्हारा कोई घटिया तरीका होगा हमारा दिल दुखाने के लिए। यही सच है, यही सच है। और दिल दुखाने की बात करती हैं आप? दिल दुखाने की बात करती है तो जाइए, मेरी मां की सुनी आंखों में देखिए, और फिर आके हमसे बोलिए कि दिल दुखाना किसे कहते हैं। नहीं शिवांश, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों करेंगे ऐसा? वो नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। वो नहीं कर सकते ऐसा। यही सच्चाई है, सच यही है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये झूठ है, सब झूठ है। हमारे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या तुम ये सब मेडिकल सीट के लिए नहीं, बल्कि सीट तो बस एक मुखौटा था जिसे लगाकर हम यहां पर आए थे। हमारा असली मकसद तो आपको बर्बाद करना था, आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना था।
आपके पापा ने हमारे पापा को मारा है। इस थाने को शमशान बना देंगे हम। चिताएं चलेंगी यहाँ पे और तब करेंगे हम अपने पापा की अस्थियों को विसर्जित। तब पूरा होगा हमारा शोक। हमें तबाह करने के चक्कर में एक चीज भूल गई है। इस परिवार के बाकी लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तुम काहे चिंता कर रही हो उनकी। शिवांश ने कहा है कि सबको बर्बाद कर देगा। शिवांश ने कहा है कि वो केशव के परिवार को बर्बाद करेगा, मतलब तुम्हें और तुम्हारी माँ को। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।